तो मीम्स बनाना है वो भी प्रोफेशनल तरीके से। हे व्यूअर्स, तो की हाल चाल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिसकी वजह से आप प्रोफेशनल मीम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर में मीम्स का एक सेपरेट पेज होता है जिससे वो लोग पैसे भी उससे कमाते हैं। तो अगर आप में वो टैलेंट है और वो क्रिएटिविटी है जिस वजह से आप मीम्स क्रिएट करके दूसरों को हंसा सकें, तो आज के इस वीडियो में आपके टैलेंट को और मेरे एप्लीकेशन को मिक्स करके एक ऐसा मीम आप क्रिएट कर सकेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फनी भी हो सकता है। तो अगर आप भी अर्न करने चाहते हैं दूसरे पेज के जैसा पैसे इंस्टाग्राम और ट्विटर में मीम्स क्रिएट करके, तो प्लीज़ इस वीडियो टिल द एंड देखिएगा और अपने मीम के कीड़े को जगा के रखिएगा। तो चलो नई वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बखलोली के। नाउ लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, मीम्स बनाने के लिए आपको बस दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक होगा आपका मीम का पेज जो आप पहले से बना चुके होंगे, और दूसरा होगा एक कंसेप्ट, मतलब आपका मीम का आइडिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन का प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे पिक्सल लैब ऊपर ही सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च कीजिएगा पिक्सल लैब, तो उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाएगा, पिक्सल लैब। इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। बेस्ट एप्लीकेशन है, प्रोफेशनल एप्लीकेशन है, प्रोफेशनल मीम्स आप इससे क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपल इसे ओपन कर लेना है। जैसा कि देखते हैं, आपने इंस्टॉल किया हुआ, मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का आपको स्टार्टिंग में इंटरफेस इसमें देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह का सिंपल इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक टेक्स्ट देखने को मिल रहा है और पीछे बैकग्राउंड है। अगर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो आपको यहाँ पे जो बटन दिया हुआ है फोर्थ बटन में आपको क्लिक करना है। फोर्थ बटन में जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कलर आप चूज़ कर सकते हैं कोई भी तरह का कलर। तो मैं व्हाइट बैकग्राउंड यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, व्हाइट बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा लगता है। व्हाइट बैकग्राउंड चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है, सिंपल आपको दिमाग लगाना है। और इस एप्लीकेशन से आप अगर अच्छा से दिमाग लगाएंगे तो बहुत ही प्रोफेशनल मीम्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको थर्ड बटन में क्लिक करना है, और फोटो तो इंपोर्ट करना ज़रूरी है, एक मीम में फोटो तो होता ही है। तो यहाँ पे फोटो इंपोर्ट करने के इस बटन आपको क्लिक करना है, और इस एप्लीकेशन में फोटो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी अपना एक फोटो चूज़ कर लीजिए गैलरी में से, तो मैं मान लीजिए ये फोटो चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे कहीं पे भी आप इसे रख सकते हैं उठा के, तो मैं देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ। और साइज़ बड़ा करने के लिए यहाँ पे कॉर्नर में यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप घींच के इसे बड़ा कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह में ये भी हो गया। अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो आपको ये ए वाले बटन में क्लिक कर लेना है। जैसे आप ए वाले बटन में क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। टेक्स्ट में जाइए और यहाँ पे एक टेक्स्ट आ गया है, तो यहाँ पे आके आप इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर वाले बटन में क्लिक कर लेना है, पेंसिल बटन में, और इसमें क्लिक कर दीजिए तो एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पे डन कर देना है, उसके बाद आपको ओके बटन में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका ये नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो जो भी आपको यहाँ पे मीम बनाना होगा तो उसका चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे अंडू आप कर सकते हैं, अंडू को यहाँ पे बटन दिया हुआ है। तो अगर आपको इसका फॉन्ट चेंज करना है तो वो भी मैं बता देता हूँ कैसे फॉन्ट चेंज होता है। फॉन्ट चेंज करने के लिए यहाँ पे ए वाले सेक्शन में क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्वाइप करना है। जैसे आप स्वाइप कीजिएगा तो आपको यहाँ पे पूरा टेक्स्ट का यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा, और यहाँ पे आप कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को एडिट। यहाँ पे कोई भी फॉन्ट लगा सकते हैं, और यहाँ पे ओके करके यहाँ पे सेव कर देते हैं तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और कलर भी वैसे ही होता है, यहाँ से शॉर्टकट है, चेंज कर सकते हैं कलर यहाँ से, और बहुत सारी चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। अपना इंटरेस्ट यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा टाइम लगाइए और सीखिए। बहुत ही आसानी से आप बहुत ही अट्रैक्टिव मीम्स क्रिएट कर सकते हैं। मैक्सिमम मीम्स के जितने पेज है ना, वो इसी से मीम्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि बहुत ही प्रोफेशनल एप्लीकेशन है मीम्स क्रिएट करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, जाइए यूज़ कीजिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ है, तो अगर मैं और बताऊंगा तो इसमें 12-13 मिनट का वीडियो मैं अकेले बना सकता हूं, लेकिन उतना बनाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, जाइए अपना खुद का मीम्स क्रिएट कीजिए। और मुझे टैग करना मत भूलना इंस्टाग्राम में, @_addifacttag, मैं आपको जरूर शाउट आउट दे दूंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहिए चेकआउट कीजिए, डाउनलोड कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करना, ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो उनको सब्सक्राइब करना, कोई पैसे नहीं, फ्री में सब्सक्राइब हो ही जाता है। तो ठीक है, सुनते मिलकर चल करते हैं अपने ऐसे को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।